गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 फ्रॉम मिक्स रिव्यू एक्सरसाइज 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट द न्यूमरल्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको नंबर नेम दिया गया है जिनको आपको कन्वर्ट करना है न्यूमरल्स में। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले ए में दे रखा है 720 और 720 को आपको न्यूमरल्स के अंदर रखना है इस बॉक्स में। सबसे पहले आप देखेंगे कि 100 दे रखा है और आपको पता है 100 जो है वो प्लेस वैल्यू चार्ट में थर्ड नंबर पे स्टैंड करता है। देखिए 1, 10, 100 थ्री नंबर पे बनता है, तो आपको यहाँ बॉक्स में सबसे पहले 3 स्मॉल डॉट डाल लेनी है, 1, 2, 3। ओके, अब आपको देखना है कि 100 प्लेस पे क्या आ रहा है। 100 के पीछे लिखा हुआ है 7, तो इसमें 100 प्लेस देखते हैं, 1, 10, 100 100 की प्लेस ये है, तो 100 प्लेस पे आपको क्या रख देना है, 7। यहाँ रख देंगे हम 7, ये जो डॉट डाली थी इसके ऊपर हमने रख दिया 7। अब फिर दे रखा है इसमें 20, तो इसके बाद में आपको रख देना है 2020। इस प्रकार आपके पास जो आपने जो न्यूमरल्स में नंबर तैयार किया है 720 वो ऐसे लिखा जाता है। नंबर बी, बी के अंदर है 531। 531 को कैसे न्यूमरल्स में लिख सकते हैं तो वो देखते हैं। आपको पता है 100 जो है वो 3 डिजिट में आता है, तो हम यहाँ 3 स्मॉल डॉट डालेंगे, 1, 2, 3, ये स्मॉल डॉट हो गई 3। अब क्या करेंगे, 100 के पीछे लिखा हुआ इसमें 5, तो 100 पे चलते हैं, 100 प्लेस पे तो आ जाएगा यहाँ 5 और 100 प्लेस इसमें है 1, 10, 100 ये वाली 100 प्लेस है, आपको 100 प्लेस पे रख देना 5। फिर नेक्स्ट क्या आ रहा है 31, तो 31 आपको पता ही है 31 कैसे लिखते हैं, ये हो गया 31। इस प्रकार आपके पास जो न्यूमरल्स में नंबर बने हैं वो 531 मतलब 531। नंबर सी 689, इसमें भी 100 है, 100 आपको पता है 3 डिजिट में बनता है, 1, 10, 100, तो आपको 3 स्मॉल डॉट डालनी है, 1, 2, 3 स्मॉल डॉट डाली और देखना है 100 प्लेस पे लिखा हुआ है इसमें 6, 100 पे आपको रख देना है 6। 89 होता है आपको पता है, तो 89 रख देंगे यहाँ पे, 89 न्यूमरल्स में आपने रख लिया है 689। नंबर सी को सोल्व करते हैं तो 809, इसमें भी 100 है, मीन्स आपको 3 डिजिट में नंबर तैयार करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे 3 स्मॉल डॉट डालेंगे, 1, 2, 3। देखिए 100 प्लेस पे दे रखा है इसमें 8, 100 प्लेस ये है आपको पता ही है, तो यहाँ हम रख देंगे 8। और फिर 9 जो है वो वंस प्लेस का है, तो यहाँ रखेंगे अपन वंस प्लेस पे 9। अब आप बोलोगे मैडम यहाँ पे रखने के लिए तो कोई नंबर ही नहीं है, तो जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है वहाँ पे आपका टेंस प्लेस क्या है इसमें मिसिंग है, तो मिसिंग करने के लिए आपको वहाँ पे 0 रख देना है। 0 का मतलब कुछ नहीं होता ना, मीन्स यहाँ पे आपका टेंस प्लेस पे मिसिंग है, कोई नंबर नहीं है। 809 आपका न्यूमरल्स में हो गया। लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर बी, राइट द नंबर नेम्स ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे अब आपके पास न्यूमरल्स में नंबर्स मिलेंगे और उनको आपको कन्वर्ट करना होगा किस में, नंबर नेम में, नंबर नेम बताने। सबसे पहले 1, 10, 100, तो यहाँ 3 डिजिट में नंबर बन रहा है 100, 100 प्लेस पे स्टैंड कर रहा है 8, तो सबसे पहले हम रखेंगे EIGHT 8, और आपको पता है 8 जो है वो 100 प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 100, HUNDRED 100, 800। फिर दे रखा है इसमें 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60, SIXTY 60 860। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन नंबर बी में है 426। सबसे पहले 1, 10, 100, तो 100 प्लेस पे स्टैंड कर रहा है 4, आपको सबसे पहले क्या रख देना है 400। F4 की स्पेलिंग होती है FOUR 4, 4 जो है वो 100 प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, तो 100 की स्पेलिंग रखेंगे HUNDRED 100, 400। इसके बाद में नंबर है 2626, फिर 26 की स्पेलिंग रख देनी है TWEN TY 26।
20, और फिर 6 की स्पेलिंग रखनी है, SIX, 426, ये हो गया इसका नंबर नेम। नेक्स्ट सी पे चलते हैं, तो 715, वंस, टेंस, 100, मीन्स 715, 100 प्लेस पे स्टेंड कर रहा है 7, सबसे पहले हम रखेंगे 7, SEVEN, 7, 100, HUNDRED, 100, फिर नेक्स्ट जो है वो 1515, 15 की स्पेलिंग रख देनी है, FIFTEEN, 15, 715, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D, 330, इससे क्या नंबर नेम बनता है वो देखते हैं, वंस, टेंस, 100, इसमें भी 100 है, मीन्स 330, 3 जो है वो 100 प्लेस पे स्टैंड करा, सबसे पहले हम रख देंगे 3, THREE, 3 है वो 100 की प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, तो हमें रखना है यहाँ पे 100, HUNDRED, 100, और फिर 3030, यहाँ 30 की स्पेलिंग रख देनी है, THIRTY, 30। लेट्स मूव ऑन द थर्ड क्वेश्चन, राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे नंबर दिए गए हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिनको आपको कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। देखते हैं, सबसे पहले इसमें 435 है, आपको पता है 4 जो है वो 4 नंबर जो है वो 100 प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 400, या फिर इजी वे से आप देखो तो आपको पता है 4 के आगे 1-2 डिजिट हैं, और उन 2 डिजिट को 20 में कन्वर्ट कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 400, प्लस का साइन डालेंगे। नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, तो 3 आता है, 3 रखेंगे, और आपको पता है 3 के आगे 1 डिजिट है, तो उसको उस 1 डिजिट को 5 को 0 में कन्वर्ट कर दो, ओके, 400 प्लस 30, प्लस का साइन डालेंगे फिर से, और 5, आपको पता है 5 के आगे एक भी डिजिट नहीं है, तो 0 नहीं लगाएंगे इसके, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे क्या है, जिस नंबर के आगे जितने डिजिट होते हैं उन डिजिट को आप 0 में कन्वर्ट कर दो। नंबर बी पे चलते हैं, बी में दे रखा है 636, सबसे पहले 6 लेते हैं, और आपको पता है 1-2 डिजिट है इसके बाद में, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, 2 डिजिट को कन्वर्ट कर दिया 20 में, 600 हो गया। फिर नेक्स्ट नंबर आपके पास है 3, और 3 के बाद में है 1 डिजिट, तो उसको भी 0 बना दो, प्लस 6 के आगे एक भी डिजिट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी 0 नहीं डालेंगे। इस प्रकार आपके पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म आपको मिली है वो 600 प्लस 30 प्लस 6। नंबर सी में है आपके पास 791, सबसे पहले 7 जो है वो किसकी प्लेस पे स्टैंड कर रहा है, 100 की प्लेस पे, या फिर 7 के आगे कितने डिजिट हैं, 1-2 डिजिट है, तो ये 2 डिजिट कन्वर्ट हो गई 0 में, प्लस का साइन डाल लेंगे। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 9 रखेंगे, और 9 के बाद में है 1 डिजिट, जिसको कन्वर्ट कर देंगे 0 में, प्लस का साइन डालेंगे फिर से, और फिर आ जाएगा 1 के बाद में तो एक भी डिजिट नहीं है, तो हमें क्या है, अपन यहाँ पे 0 नहीं लगाएंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे। नंबर डी में चलते हैं, 549, इसको आपको कन्वर्ट करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। सबसे पहले 5 के आगे देख लेना, आपको 1-2 डिजिट है, तो 5 के आगे आपको रख देनी है 2 डिजिट के 20, 2 डिजिट को कन्वर्ट कर दिया 20 में, प्लस का साइन डाल लेंगे। नेक्स्ट नंबर आपके पास है 4, और 4 से आगे आपके पास है 1 डिजिट, जिसको कन्वर्ट कर देंगे 0 में, प्लस 9, और 9 के बाद में तो एक भी डिजिट नहीं है, तो एक भी 0 नहीं लगाएंगे यहाँ पे। बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बच्चों बाय।